कोर जावा के फर्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा। अब जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स माने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, यानी राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार लिखेंगे और कोई भी प्लेटफॉर्म पे उसे एग्जीक्यूट करेंगे। जनरली हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद उसका डॉट ओबीजे फाइल बनता है। ओबीजे फाइल मशीन कोड है जो ओएस के हिसाब से जनरेट होता है। इस डॉट ओबीजे फाइल्स को लिंक किया जाता है और उसका डॉट ईएक्सई फाइल बनता है जो एग्जीक्यूटेबल कोड है। इसका मतलब है कि अगर हम इस ईएक्सई फाइल को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना चाहे तो हमें इसे फिर से कंपाइल करना होगा। लेकिन जावा में क्या होता है कि हम सोर्स कोड लिखते हैं जो जावा का फाइल है, फिर उसे कंपाइल करने के बाद बनता है डॉट क्लास फाइल जो बाइट कोड है। ये बाइट कोड सिर्फ जेवीएम ही समझ सकता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बीच में एक लेयर है जो है जेवीएम का, तो जेवीएम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। ये जो जेवीएम है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है, इसलिए जावा बन जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब जेवीएम को डिटेल में देखते हैं। इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि ये वर्चुअल मशीन है ना कि एक्चुअल है। वर्चुअल मशीन दो टाइप के होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड। हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअल मशीन में वो वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर से क्रिएट करता है, और सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन में वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, माने कोई एप्लीकेशन रन हो रहा हो। जेवीएम इज एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। अगर हम इंटरनेट से जेवीएम को डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमें हमेशा जेआरई के ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि जेआरई जो जावा को रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है वो हर जावा एप्लीकेशन के लिए जेवीएम का कोड डिप्लॉय करता है। जेवीएम के तीन कंपोनेंट्स है, क्लास लोडर, रन टाइम डेटा एरिया और एग्जीक्यूशन इंजिन। क्लास लोडर के तीन एक्टिविटीज है, लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। लोडिंग में तीन क्लास लोडर्स है, बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन और एप्लीकेशन। बूटस्ट्रैप लोडर कोर जावा एपीआई मतलब जावा के बिल्ट इन क्लास लाइब्रेरीज को लोड करेगा। एक्सटेंशन क्लास लोडर जेआरई के यानी jre/lib/ext फोल्डर के क्लासेस को लोड करेगा। एप्लीकेशन क्लास लोडर या सिस्टम क्लास लोडर क्लास पाथ से सेट किए हुए क्लासेस लोड करेगा। अब होगा लिंकिंग फेज। लिंकिंग फेज के तीन एक्टिविटीज है, वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड रिजोल्यूशन। वेरिफिकेशन बाइट कोड का करेक्टनेस चेक करेगा, यानी अगर किसी ने बाइट कोड में चेंजेस किए तो वो उसका करेक्टनेस चेक करेगा। प्रिपरेशन क्लासेस के स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करेगा और उसे उसका डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा। मतलब अगर हमने पब्लिक स्टैटिक बुलियन एक्स इज इक्वल टू ट्रू लिखा तो ये एक्स को फॉल्स वैल्यू असाइन करेगा, क्योंकि बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, हमने जो ट्रू असाइन किया वो नहीं। अब होगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन सिंबॉलिक रेफरेंसेस को डायरेक्ट रेफरेंस या उसके ओरिजिनल रेफरेंस से कन्वर्ट करेगा। इनिशियलाइजेशन फेज में सारे स्टैटिक वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होगा। अब ये कौन सा वैल्यू असाइन होगा? जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया, और स्टैटिक ब्लॉक्स भी एग्जीक्यूट होंगे। रन टाइम डेटा एरिया को 5 में कैटेगराइज किया है, मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर और नेटिव मेथड एरिया। मेथड एरिया में क्लासेस का मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। हीप एरिया में इम्यूटेबल क्लास ऑब्जेक्ट जैसे कि स्ट्रिंग या एरे स्टोर होते हैं। स्टैक एरिया में स्टोर होता है स्टैक फ्रेम्स। जनरली जावा स्टैक मेमोरी लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, लेकिन जेवीएम का ये जो स्टैक एरिया है यहाँ पे स्टैक फ्रेम स्टोर होंगे। स्टैक फ्रेम्स क्लासेस के मेथड इंफॉर्मेशन और लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करता है।
हर बार जब रिकर्शन में मेथड कॉल होगा, स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा। यहाँ हर थ्रेड के लिए अलग स्टैक एरिया क्रिएट होता है और करंट स्टैक फ्रेम पे ऑपरेशन होता है। पीसी रजिस्टर यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये प्रोग्राम काउंटर जनरेट करेगा जो स्टैक एरिया से नेक्स्ट एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा। ये भी हर थ्रेड के लिए अलग क्रिएट होगा। नेटिव मेथड एरिया, यहाँ हर थ्रेड के लिए स्टैक मेमोरी क्रिएट होगा जो नेटिव मेथड्स को लोड करेगा। JVM का लास्ट कंपोनेंट है एग्जीक्यूशन इंजिन। JVM इंजिन के कंपोनेंट्स है इंटरप्रेटर, JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर, गार्बेज कलेक्टर और हॉटस्पॉट प्रोफाइल। इंटरप्रेटर बाइट कोड के हर लाइन को ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर, यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट होते हैं उसे पहले से ही एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करके रखता है। गार्बेज कलेक्शन, ये एक्चुअली बड़ा टॉपिक है लेकिन अगर शॉर्ट में कहे तो अनयूज्ड मेमोरी को क्लीन करता है। हॉटस्पॉट प्रोफाइल, ये बाइट कोड एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।